तो ये इजीएस्ट जो ज़ेब्रा प्रिंट है ये बनाने के लिए मैं चूज़ कर रही हूँ ये बॉक्स। ये एक नॉर्मल बॉक्स है जिसमें डिलीवर होके आता है हमारा सामान। इसको मैं स्टोरेज के लिए यूज़ करती हूँ। अब पहले इसको हम करेंगे पेंट। पेंट करने से पहले कहीं हमारे साथ कुछ ऐसा ना हो जाए, इसलिए प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। न्यूज़पेपर बिछा लें पेंट करने से पहले ताकि जो भी नीचे का सरफेस है वो ख़राब ना हो। मैं इसको येलो पेंट कर रही हूँ स्प्रे पेंट से। आप कोई भी पेंट यूज़ कर सकते हैं। मैं रेकमेंड करूँगी कि एक्रेलिक पेंट करो क्योंकि उसके ऊपर एक शाइन होती है जो अच्छी लगती है। अब हमने इसको येलो पेंट कर लिया है। अब येलो पेंट करने के बाद हम इस पर टेपिंग करेंगे। टेपिंग हमें करनी है मास्किंग टेप से। ये जो है हार्डवेयर शॉप पर आराम से मिल जाती है, स्टेशनरीज पर भी मिल जाती है, बाकी हार्डवेयर्स पर तो पक्का मिल जाती है। हम इसको बीच में से टियर करेंगे इस तरीके से, तो हमारे पास दो अनइवन से पीसेस आ जाएंगे। इसी तरीके के पीसेस को हमने इस पर इस तरीके से लगा लेना है। रैंडमली कोई पैटर्न होना ज़रूरी नहीं है, आप बस इसको इसी तरीके से लगाते जाए। ये जो टेप होती है बहुत इजी टू यूज़ होती है। आपको इवन इसको यूज़ करते वक्त सीजर की भी ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि ये पेपर की टेप होती है। और जब आप ये टेप लगाएं उससे पहले आपका पेंट अच्छी तरीके से सूख जाना चाहिए, जल्दबाजी ना करें। छोटे छोटे पीसेस बीच में भी लगा लें जहाँ आपको खाली स्पेस नज़र आ रहा हो। और इस तरीके से हम इसको टेप से पूरा कवर कर देंगे। इसको रफली ही करना है, कोई पैटर्न नहीं बनाना है इसका। इस तरीके से टेप इस पे आप लगाते जाएं। सो देख सकते हैं कितना इजी है ये बनाना। जहाँ भी खाली स्पेस है उसको छोटे छोटे टेप से भर दें। अब ये पूरा टेपिंग हो चुकी है, आप देख सकते हैं हर जगह मैंने इसको चारों तरफ से पेंट कर दिया है। नीचे का सरफेस मैंने नहीं पेंट किया क्योंकि वो मुझे रिक्वायरमेंट नहीं लगा, इसलिए। अब मैं ब्लैक स्प्रे पेंट ले रही हूँ और इस पर स्प्रे कर रही हूँ। अगेन आप कोई भी पेंट यूज़ कर सकते हैं, एक्रेलिक मेरी तरफ से बेस्ट रहता है, आप एक्रेलिक यूज़ करें तो। और इस तरीके से इस पर पेंट ब्लैक कर दें। पूरा कवर करना है हमको इसको ब्लैक से। और
और इसको कवर करने के बाद ब्लैक से हमें इसको सुखाने के लिए रख देना है अच्छी तरीके से। सुखाने में आपको जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी, दोनों लेयर जब भी पेंट करेंगे आप, आपको अच्छी तरीके से सुखाकर ही अगला स्टेप करना है। अब ये हमारा बॉक्स जो है सूख चुका है। अब मेरा फेवरेट स्टेप जो कि है पीलिंग, अब आप जो भी आपने टेप्स लगाई थी उसको हटा लीजिए। जैसे जैसे आप हटाएंगे ये पैटर्न जो है सामने आता जाएगा। ओ माय गॉड, दिस इज़ सो सेटिस्फाइंग एंड ये बहुत सुंदर लगता है दिखने में। जब आप इसको उतारते हो तो मुझे तो पर्सनली बहुत मज़ा आता है, बहुत सेटिस्फाइंग लगता है। नाइस, अब ये हमारा येलो एंड ब्लैक वाला बॉक्स जो हमने अभी बनाया ये बन चुका है। और इसी तरीके से मैंने ये गोल्डन और ब्लैक कलर का बॉक्स भी बनाया है। ये भी मैंने अपने स्टोरेज के लिए ही बनाया है, अपने कलर्स रखने के लिए। अब मेरा फेवरेट नियॉन बॉक्स, इसके ऊपर मैंने बेस दिया ब्लैक कलर का, देख सकते हैं आप कितना प्यारा लग रहा है ये। और इसके बाद मैंने जो न्यूज़पेपर होते हैं उनकी बॉल बना के क्रम्बल करके और बॉल से पेंट कर दिया, पेपर बॉल से। अब मैं रखती हूँ इसमें अपना सामान, वाटर कलर्स, मोर वाटर कलर्स, वार्निश एंड सम रैंडम स्टफ। एंड इट लुक सुपर क्यूट। जो ब्राउन बॉक्सेस हम सिंपली उसमें स्टोर कर देते हैं सामान, मुझे वो बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। इस तरीके से आप रखेंगे तो डेकोरेशन भी हो सकती है और आप किसी फर्नीचर को के ऊपर भी ये चीज़ अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैंने ये साइड टेबल पे किया है एंड इट इज लुकिंग ब्यूटीफुल। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो नाउ इट्स टाइम फॉर द टिप्स एंड ट्रिक्स जो मैंने आपको बोला था, जिससे आपकी कम से कम गलतियाँ हूँ। तो फर्स्ट इज, अगर आप स्प्रे पेंट यूज़ कर रहे हैं तो स्प्रे पेंट यूज़ करने के लिए ना आपको एक डिस्टेंस से स्प्रे करना होता है। आप ज़्यादा पास से करोगे तो बहुत मोटी कोटिंग हो जाएगी, वो भी अच्छी नहीं लगेगी। और अगर ज़्यादा दूर से करोगे तो वो आसपास ज़्यादा जाएगा, प्रोडक्ट पे कम जाएगा, जो आप प्रोजेक्ट जिस पे काम कर रहे हैं उस पे कम जाएगा। तो उसको एक स्पेसिफिक डिस्टेंस से काम करना चाहिए। दूसरा बात, अगर आप स्प्रे पेंट यूज़ कर रहे हैं तो अपना माउथ ज़रूर कवर करें, उसमें से अजीब सी स्मेल और गैसेज आती हैं जो हार्मफुल होती हैं और वो आगे आपको इरिटेशन भी दे सकती हैं गले में। एंड अगर आपके घर में कोई अस्थमा पेशेंट है या ऐसा कोई पेशेंट है जिन्हें सांस लेने में दिक्कत होती है तो मैं रेकमेंड नहीं करूँगी कि आप स्प्रे पेंट यूज़ करें। इससे अच्छा आप नॉर्मल एक्रेलिक कलर यूज़ करें, वो भी बहुत अच्छे से वर्क करते हैं। नंबर टू, जब भी आप ये करें तो हम इसमें पहले एक बेस लेयर करते हैं, उसके बाद टेपिंग करने के बाद इसके ऊपर एक और पेंट की लेयर करते हैं। कोशिश करें जो आप बेस लेयर कर रहे हैं वो हमेशा लाइटर हो, जो बाद में हम कलर करते हैं उससे, जो सेकंड कलर करते हैं उससे फर्स्ट जो कलर करते हैं वो लाइट हो तो ज़्यादा अच्छा आएगा। बट इन केस अगर आपका कुछ ऐसा प्लान है कि आपको जो सेकंड कोट करनी है वो डार्क लाइट करनी है, तो आप ये कर, जो आपकी सेकंड, अगर इन केस ऐसा है, आपके कुछ ऐसा आइडिया है दिमाग में जिसके लिए आपको पहले डार्क कोट करनी है और उसके ऊपर लाइट कोट करनी है, तो मैं ये रिकमेंड करूँगी कि आप पहले डार्क कोट करिए, उस पर टेपिंग करिए, फिर उस पर वाइट कलर करिए और देन उस पर जो भी आपको लाइट कलर करना है वो करो, ताकि वो कलर बहुत अच्छे से आए। क्योंकि अगर आप डार्क कलर के ऊपर लाइट कलर करोगे तो वो उभर के नहीं आएगा, अच्छा नहीं लगेगा और जैसा प्रोजेक्ट को आप बनाना चाहते हैं वैसा वो नहीं बन पाएगा। इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखें। थर्ड, जब आप टेप को टियर करें तो कॉर्नर से उसको टियर करना है इस तरीके से।
क्योंकि जब हम एक कॉर्नर में से पकड़ के उसको टियर करेंगे तो दोनों ही पार्ट जो भी हमारे हाथ में आएंगे उनका एक पार्ट जो होगा वो थोड़ा तीखा होगा, नीचे की तरफ कॉर्नर उसका निकला हुआ होगा, तो वो अच्छा इफेक्ट देता है। अगर आप टाइगर प्रिंट को ध्यान से देखें, वो ऐसा होता है कि बाहर से बोल्ड होता है और आते आते वो पतला हो जाता है, तो उसी शेप में फिर आपकी टेप जो है टियर होगी। सो आई होप सो दैट इज इट। आई होप यू लाइक माई वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड सपोर्ट मी राइट नाउ। आई रियली नीड योर सपोर्ट। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय। बहुत तकलीफ होगी मेरे को ना इसको।